अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लैक्रिमल ग्लैंड की। लैक्रिमल ग्लैंड जो है बेसिकली बिलोंग करता है टेयर फॉर्मेशन की तरफ से, जो आंसू बन रहे हैं लैक्रिमल आपरेटस पूरा होता है। तो लैक्रिमल आपरेटस में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो मेन स्ट्रक्चर है लैक्रिमल ग्लैंड। अच्छा, लैक्रिमल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक वो पार्ट जो स्कल के ऑर्बिट में होता है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल पार्ट, एंड द अदर पार्ट इज प्रेजेंट इन अपर आईलेट, दिस वन इट इज़ कॉल्ड एज पल्पेब्रल पार्ट। आईलिट को हम पल्पेब्री कहते हैं और अपर आईलिट के अंदर ये मौजूद है इसका स्मॉलर पार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एज पल्पेब्रल पार्ट। अच्छा, होता ये कि लैक्रिमेशन की जो सिक्रीशन है वो यहाँ बन रही होती है और यहाँ से ही आती है कंजक्टाइवा पे। आउटर मोस्ट जो यहाँ पे कवरिंग होती है वो ट्रांसपेरेंट सी वो कंजक्टाइवा होता है। फिर जो ब्लिंकिंग ऑफ द आई की वजह से ये आई क्लियर होती रहती है, और ये अल्टीमेटली ड्रेनेज जो होता है लैक्रिमल सिक्रीशन का वो होता है इन दो होल्स के थ्रू, जो कि लैक्रिमल पंक्टम कहलाते हैं। फिर इससे दो, एक अपर आईलेट में भी है और एक होल स्मॉल सा होल और लोअर आईलेट में भी। फिर इन दोनों से लैक्रिमल कैनालिक्यूली निकलती हैं सुपीरियर और इन्फीरियर, फिर वो दोनों मिलके लैक्रिमल एम्पुला बनाती हैं, और उस लैक्रिमल एम्पुला जो है उसके नीचे लैक्रिमल सैक होता है, और लैक्रिमल सैक से नेजो लैक्रिमल डक्ट निकलती है। ये जो नेजो लैक्रिमल डक्ट है इट ओपन्स इन दी लेटरल वॉल ऑफ द नोज। क्लियर? तो लैक्रिमल आपरेटस में क्या क्या चीज़ें हैं, लैक्रिमल ग्लैंड है, उसके दो पार्ट हैं, एक ऑर्बिटल पार्ट और दूसरा पल्पेब्रल पार्ट। ऑर्बिटल पार्ट इज द लार्जर पार्ट, पल्पेब्रल पार्ट इज द स्मॉलर पार्ट। ठीक है, फिर यहाँ से लैक्रिमल सेक्रीशन कंजक्टाइवा में जाती है, ये ट्रांसपेरेंट सा होता है। उसके बाद यहाँ से सेक्रीशन जो हैं लैक्रिमल पंक्टम, ये जो छोटे सुराख हैं इनके जरिए लैक्रिमल कैनालिक्यूली में जाती हैं। यहाँ से लैक्रिमल एम्पुला भी बन रहा है, और नीचे जो है लैक्रिमल सैक मौजूद है, और लैक्रिमल सैक से अल्टीमेटली नेजो लैक्रिमल डक शुरू होती है विच ओपन्स इनटू द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। क्लियर?